बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफ़ एम्स बावरची हाना फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों साथ शेयर करूँगी वो मेथड जिसके थ्रू मैं बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्लैब्स के ऊपर मार्बल शीट अप्लाई करती हूँ आजकल इन मार्बल शीट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और पहले मेरी जो स्लैब के ऊपर टाइल्स लगी हुई थी ना मतलब जो मार्बल शीट लगी थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी बट ड्यू टू सम रीज़न और काफ़ी टाइम से वो लगी हुई थी वो काफ़ी फट चुकी थी तो इसलिए मैंने दोबारा से न्यू मार्बल शीट ऑर्डर कर ली थी और मैं मोस्टली जो है ना वाइट कलर में ऑर्डर करती हूँ तो अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है सबसे पहले मैंने पहली वाली तो रिमूव कर दी है अगर आपने फर्स्ट टाइम लगानी है तो आपकी जो स्लैब्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे से क्लीन करना है क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लीनर का इस्तेमाल किया है इसका रिव्यू मैं आप लोगों को मुकम्मल एक वीडियो में दूंगी बहुत कमाल का है सबसे पहले आपने इसको अच्छे से ना स्लैब्स को क्लियर कर लेना है क्लीन कर लेना है कुछ भी उसके ऊपर डर्ट नहीं होनी चाहिए ना ही कोई चीज़ पड़ी हुई होनी चाहिए ठीक है ताकि आपकी जो मार्बल शीट है ना बहुत स्मूदली अप्लाई हो सके अब यहाँ पे मेरे पास ये मार्बल शीट है मैंने वाइट में ली है आपको ब्लैक में भी मिल जाएगी डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है ये मैंने दराज से बाई की है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इजीली बाय कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती आपको मिल जाती है इस शीट के साथ आपको चाहिए होगा एक अदर टाल मैंने यहाँ पे किचन टाल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे आप जो है ना माइक्रोफाइबर टाल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं उसे बहुत आसानी से लग जाती है अब जो मेरी स्लैब्स है ना वो असल में थोड़ी सी डार्कर शेड में है जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर ना ये मार्बल शीट अप्लाई करती हूँ ताकि जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा आए वीडियो का आप भी बहुत आसानी से ये अप्लाई कर सकते हैं मार्बल शीट को आप अपनी स्लैब के अकॉर्डिंग मैयर करके कट करें और उसके बाद इसका स्टिकर बैक एंड से आप रिमूव करते जाएँ थोड़ा थोड़ा और आपने टावल की मदद से ना इसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है हल्का प्रेशर अप्लाई करेंगे और बहुत आसानी से आपकी ये जो मार्बल शीट है ये लग जाएगी स्लैब्स के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं मेरी स्लैब्स थोड़ी सी चौड़ी हैं तो जिसकी वजह से मैंने इस तरीके से उनको अप्लाई किया है पैरल शेप में बट अगर आपकी जो स्लैब्स हैं ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है ठीक है तो फिर आप इनको एक ही डायरेक्शन में यानी कि हॉर्जेंटल डायरेक्शन में रख के लगा सकते हैं वो इजीली लग भी जाती है और बहुत स्मूथ लगती है लगी हुई तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लग रही हैं जैसे रियल मार्बल की जो है ना स्लैब्स लगी हैं टाइल्स लगी हैं और यहाँ पर आपको टाइल्स स्टिकर्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि अगेन बहुत प्यारे लगते हैं ट्रेडिशनल सी वाइब्स आती हैं ये भी मैंने अगेन दराज से बाय किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दराज का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये जाके टाइल्स स्टिकर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये मार्बल शीट भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये जो मार्बल शीट है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जो ग्लू की स्टिकीनेस है ना वो बहुत अच्छी है और सबसे ज्यादा कमाल बात यह है कि इस मार्बल शीट के ऊपर आप पानी फेंकें या ऑयल गिर जाए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि ये वाटर प्रूफ है थोड़ी सी मेरे पास शीट बच गई थी तो मैंने ये टेबल था मेरे पास पड़ा हुआ इसके ऊपर अप्लाई कर दिया ताकि ये भी बहुत अच्छा सा नीट से इसकी लुक निकल के आ जाए तो आप बहुत कम पैसों के अंदर बहुत अच्छा किचन का मेकअवर कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं ये मैंने स्पेशली रेसिपी की शूट के लिए तैयार किया है तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर दीजिएगा मुझे तो हमें याद रखिएगा मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज निगेबान